वेलकम गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। और आज की ये कहानी एक डॉग के बारे में है जिसमें वो पहले कभी अमीरों के घर में रहा करता था लेकिन बाद में उसे एक स्लेट डॉग बनना पड़ा। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉग दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बक, जो काफी शरारती था और इसके मालिक पेशे में एक जज थे और ये उन्ही के घर में रहा करता था। और एक दिन वो जज की सर्वेंट के साथ मार्केट में चला जाता है। मार्केट में वो काफी शरारत है, सबको परेशान कर देता है और यही मार्केट में उसे एक आदमी देख लेता है और कहता है कि ये काफी अच्छी नस्ल का डॉग है, ऐसे डॉग्स की जरूरत हमें अमेरिका में सोने की खान में है, जहां सोना ढोने के लिए स्लेट चलाने में डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बात जज का एक सर्वेंट भी सुन रहा था। और आज जज का बर्थडे होता है। आज उनके घर पे जज के बर्थडे पर उसके फ्रेंड्स आने वाले थे और बर्थडे पार्टी के लिए घर में ढेर सारे पकवान भी बने थे। लेकिन जब घर की कुक बक को वहाँ आते हुए देखती है तो वो सारी डिशेस को छुपा देती है। और बक जब वहाँ आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता और वो मासूम सा मुंह बनाकर नौकरानी को देखने लगता है, लेकिन वो उसे रसोई से बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि जाकर पहले मैनर सीख के आओ फिर अंदर आना, क्योंकि बक हर चीज को बिगाड़ देता था। तभी उसे वहाँ एक खरगोश दिखाई पड़ता है जिसका पीछा करते करते वो अपना मुँह एक बुरो में डाल देता है। लेकिन तभी उसे गार्डन में एक टेबल पर ढेर सारी डिशेस दिखाई पड़ती है जो कि जज के फ्रेंड्स के लिए थी, क्योंकि आज जज का बर्थडे था। इससे पहले बारी आती है फोटोशूट की और इसके लिए बक को भी बुलाया जाता है। लेकिन जब बक वहां आता है तो उसके मुंह में एक बूटी होती है जिसे जज देखकर हैरान रह जाता है। और इसके बाद सबको दिखाई पड़ता है वो खाने का टेबल जिसको तहस नहस किया जा चुका था और ये काम और किसी का नहीं बल्कि बक का ही था। इस पर जज बहुत गुस्सा हो जाता है और वो आज रात बक को घर से बाहर ही छोड़ देता है। और बक बार बार दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे उसी सर्वेंट की आवाज आती है जिसने मार्केट में उस आदमी की बातें सुनी थी। और वो उसके पास चला जाता है और उसके साथ वही इंसान भी होता है। वो बक के सामने एक बिस्किट डालते हैं जिसके बाद बक उस बॉक्स में छलांग लगा देता है, क्योंकि बक को काफी भूख लगी थी। और इसके बाद वो गेट को भी बंद कर देते हैं। बक बाहर देखता है कि वो सर्वेंट उस इंसान से पैसे ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने बक को बेच दिया है, उसी आदमी को जो मार्केट में इसके बारे में बातें कर रहा था। बक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो भोकते भोकते ही बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो भूख से दोबारा से भोंकने लगता है और उसको चुप कराने के लिए एक आदमी डंडा उठाता है और बॉक्स खोलकर बक पर वार करता है। बक ने अपनी जिंदगी में पहली बार मार खाई थी, मगर मौका देखकर बक वहां से भाग निकलता है। और जब बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी जहाज में है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। इसका मतलब ये था कि अब बक यहाँ से नहीं भाग सकता था। अब वो जहाज किनारे तक पहुंच जाता है और बक को वहाँ उतारा जाता है। उसने ऐसी जगह पहली बार देखी थी। वही कुछ ही देर में वहाँ बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बक काफी खुश होता है और बर्फ में खेलने लगता है और उसके गले से रस्सी भी निकल जाती है। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है जॉन नाम के एक बूढ़े आदमी से जो कि अपना घर बेचकर वहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ बक का मालिक आता है और बक को वापस से ले जाता है और उसे ले जाकर बहुत सारे डॉग्स के बीच छोड़ देता है। इन सभी को ही बेचा जाना था। बक इन सबके साथ दोस्ती करना चाह रहा था लेकिन कोई भी डॉग इसके साथ दोस्ती नहीं करता। वहीं कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसे बक काफी पसंद आता है और वो इसे खरीद लेता है। दरअसल ये आदमी एक पोस्टमैन होता है जिसे पोस्ट पकड़ाने के लिए अपनी स्लेड में एक डॉग की जरूरत थी और वो बक को ले जाकर अपने बाकी सभी डॉग्स के साथ बांध देता है। और जब बक को गाड़ी खींचने के लिए बाकी सभी डॉग्स के साथ बांधा जाता है तो उसे चलना ही नहीं आ रहा था। वो बार बार लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था और काफी देर ऐसा ही चलता रहता है। और पोस्टमैन समझ जाता है कि अब बक से और नहीं चला जाएगा। वो रात के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। वही रात को बक को एक काला भेड़िया दिखाई पड़ता है जिसे देख कर वो काफी डर जाता है। और तभी वो एक डॉग से टकराता है जो में नीचे गड्ढा बनाकर सो रहा था। वो अपना गड्ढा बक को दे देता है और अपने लिए एक नया गड्ढा बना लेता है। बक इसके अंदर सो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि बर्फ के अंदर कैसे सोया जाता है। और अगले दिन सभी डॉग काम पर निकलते हैं, लेकिन अभी भी बक से ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन आज वो सारी पोस्ट डिलीवर करके वापस आ जाते हैं और फिर से रात हो जाती है। रात को सभी डॉग्स को खाना दिया जाता है, लेकिन इस ग्रुप का लीडर स्लिट होता है जो एक डॉग
से उसकी फ़िश छीन लेता है। बक जब ये देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी फ़िश ले जाकर उस डॉग को दे देता है, जिससे सारे डॉग्स उसे अच्छा डॉग मानने लगते हैं। वही अगले दिन स्प्लिट एक जगह पानी पी रहा था और वो दूसरे डॉग को वहाँ पानी पीने से रोक रहा था। तभी बक जाकर एक जगह पर गड्ढा बना देता है, जिससे सारे डॉग वहाँ पानी पी लेते हैं और इसके बाद वो बक को काफ़ी अच्छा डॉग मानने लगे थे। लेकिन स्प्लिट को ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद को इस ग्रुप का लीडर मानता था। और अब धीरे धीरे बक को बर्फ पर भागना आ रहा था और वो अपना काम सही से करने लगा था। एक दिन फ्रैंक बर्फ को चेक करते करते पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर बक अपनी जान की परवाह ना करते हुए फ्रैंक को बचाकर बाहर ले आता है। इससे पोस्टमैन काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो बक को एक अच्छा डॉग मानने लगा था। फ्रैंक रात को उसे अपने पास बुलाती है और उसे खाना भी खिलाती है। ये स्प्लिट दूर बैठकर देख रहा था और उसे ये देखकर बहुत जेलस फील होता है। इसके बाद पोस्टमैन और फ्रैंक सोने चले जाते हैं। तभी बक को वहाँ पर एक खरगोश दिखाई पड़ता है, जिसका पीछा करते हुए वो काफ़ी आगे चला जाता है और उसके साथ ऐसे ही खेलता रहता है। लेकिन तभी स्प्लिट वहाँ आ जाता है और उस खरगोश को मार गिराता है और वो बक पर भी हमला कर देता है। लेकिन बक उसे अभी भी अपना लीडर मानता था, इसलिए वो उस पर रिटर्न पे हमला नहीं करता। तभी उसे वही ब्लैक वुल्फ दिखता है, जो स्प्लिट पर हमला करके उसे मार गिराता है और सारे डॉग्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी स्प्लिट की मौत के बाद बक को ही अपना नया लीडर बना लेते हैं। और अगले दिन पोस्टमैन पोस्ट डिलीवर करने के लिए स्प्लिट को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो स्लेड के सबसे आगे स्प्लिट को बांधता था और स्प्लिट ही उस ग्रुप का लीडर था। लेकिन उसे स्प्लिट कहीं भी नहीं मिलता। तभी बक ग्रुप का नया लीडर होने के नाते वहां आगे जाकर बैठ जाता है, जिससे मालिक समझ जाता है कि बक अब इस ग्रुप का नया लीडर बन चुका है और वह बक को सबसे आगे बांध देता है और बक अपना काम बखूबी संभाल लेता है। वो बहुत तेज भागता है। तभी उसे एक पहाड़ पर वो ब्लैक वुल्फ दिखाई देता है और मालिक बक को दूसरी साइड मुड़ने के लिए कहता है। लेकिन बक अपने मालिक की बात न मानकर एक दूसरी केव के अंदर से होते हुए शॉर्टकट वाले रास्ते से उन्हें मेल डिलीवरी करने के लिए पहुंचा देता है। और ये देखकर उसका मालिक काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो जिस रास्ते से जाने के लिए कह रहा था वहाँ बर्फ की एक ढलान गिर गई थी, जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। बक के इस फैसले पर उसका मालिक काफ़ी खुश होता है और वो सभी को उनके मेल डिलीवर कर देते हैं। यहाँ बक ये देखता है कि जब लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं, और इसलिए बक को ये काम काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो इससे लोगों को खुश कर सकता था। और अब सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जो अपनी बीवी को लेटर लिख रहा था और वो इसमें लिखता है कि हमारे बेटे का आज बर्थडे है और जो इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए जॉन ने अपने घर को भी छोड़ दिया था। अब बक को फिर से वो ब्लैक वुल्फ दिखता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी बक को वो ब्लैक वुल्फ दिखता है, तभी बक के साथ कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और अगले दिन पोस्टमैन फिर से लेटर्स लेकर डिलीवर करने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। लेकिन वो लेट हो गया था, इसलिए पोस्टमैन उसका लेटर नहीं लेता, पर बक उसे देखकर रुक जाता है और खुद उससे लेटर लेता है। और तभी पोस्टमैन को एक लेटर मिलता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया था, जिसमें लिखा था कि हम सभी पोस्ट ऑफिस को बंद कर रहे हैं और अब टेलीग्राम का जमाना आने वाला है, इसलिए तुम उन सभी डॉग को बेचकर वापस आ जाओ। उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उन सभी डॉग्स को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अब यहां पर एक आदमी आता है, जिसका नाम होता है होल्क, और ये इन सभी डॉग्स को खरीद लेता है। ये इन सभी डॉग्स को स्लेड में बांधता है और इसे चलने को बोलता है, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा होने के कारण बक उस गाड़ी को नहीं चला पाता। अब यहां जॉन आ जाता है और होल्क को बोलता है कि अभी समर आने वाली है, इसलिए उस साइड जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नदियाँ बहने लगेंगी और तुम सभी मर सकते हो। लेकिन होल्क जॉन की एक नहीं सुनता और डॉग्स को चलने की बोलता है। रास्ते में बक की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। होल्क समझता है कि ये मरने वाला है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ जॉन आ जाता है। और यहाँ हमें रिवील होता है कि होल्क को सोना ढूंढने के लिए उन डॉग्स की ज़रूरत थी और वो अपने सोने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि वो उन डॉग्स की हालत को नहीं देख पा रहा था। यहाँ से जॉन बक को उठाकर अपने घर में ले आता है। अब बक को दो दिन बाद होश आता है और वो देखता है कि नदियाँ बहने लगी हैं और जॉन से बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम ही जिंदा हो और अब तुम भी आजाद हो, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। इसके बाद जॉन एक बार में चला जाता है, जहाँ पर होल्क उसे पहचान लेता है और उस पर हमला भी कर देता है।
हल्क जॉन से कहता है कि तुम्हारी वजह से वो सारे डॉग मारे गए हैं क्योंकि तुमने बक को मुझसे छुड़वा लिया था। अगर बक होता तो शायद वो डॉग्स नहीं मारे जाते। लेकिन तभी वहाँ बक भी आ जाता है और वो हल्क पर भौंकने लगता है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों को हल्क के पास एक गन दिखाई पड़ती है जिसे देखकर वो समझते हैं कि ये सही आदमी नहीं है और उसे बाहर से बाहर निकाल देते हैं। अब जॉन घर आ जाता है लेकिन घर आने के बाद भी वो काफी ड्रिंक कर रहा था। बके देखकर काफी परेशान होता है और उसके ग्लास को तोड़ देता है और उसकी बोतल को ले जाकर बाहर बर्फ में दफना देता है। अब जॉन उस बोतल को मांगता भी है लेकिन बक वहां से नहीं उठता। अगले दिन जॉन बक को एक मैप दिखाता है। वो उसे कहता है कि हमारा यहाँ रहना सही नहीं है और मेरा बेटा इस मैप को फॉलो करते हुए इस लाइन तक पहुंचना चाहता था। इसी बीच उसकी जान चली गई है लेकिन उसके इस सपने को मैं जरूर पूरा करूंगा और इस जगह तक पहुँच कर रहूंगा। अगले दिन वो दोनों बोट में बैठ कर वहां से निकल जाते हैं लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था जिससे उनकी बोट के अंदर एक सुराख हो जाता है और उन्हें वो बोट छोड़कर वहीं उतरना पड़ता है। यहाँ उन दोनों को एक पुराना घर भी मिल जाता है। अब हल्क जॉन को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है लेकिन उसे वहां जॉन नहीं मिलता। लेकिन उसे वो मैप दिख जाता है और वो समझ जाता है कि जॉन कहां गया होगा। एक दिन जॉन को नहाते हुए एक सोने का टुकड़ा मिलता है और वो समझ जाता है कि वो सही जगह आए हैं। उसका बेटा भी इस सोने को ही ढूंढना चाहता था और बक भी उसकी सोना ढूंढने में मदद करता है। पर अचानक से बक को दिखाई पड़ता है कि एक वाइट वुल्फ उन्हें देख रही थी। बक इसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाती है। वहीं एक रोज वो सारे भेड़िये शिकार पर निकले थे लेकिन उनमें से एक पानी में गिर जाता है और वो बहाव में बहता ही जा रहा था। जब बक ये देखता है तो वो उसे बचा लाता है जिसके बाद वो सारे भेड़िये बक को उनका दोस्त मानने लगे थे और अब बक पूरा दिन उन भेड़ियों में खेलता रहता था और पूरा दिन उनके साथ खेलने के बाद ही घर आता था और जॉन भी अकेला महसूस करने लगा था। लेकिन बक रोजाना जॉन के लिए एक शिकार लेकर आता था। एक दिन बक देर रात तक घर नहीं आता और जॉन अकेला व्हील करके शराब पीने लगता है। जब बक घर आकर ये देखता है तो वो जॉन की गोद में अपना सिर रखकर वही सो जाता है। अगली सुबह फिर से वो वाइट वुल्फ बक को बुलाने आती है और बक उसके साथ चला जाता है। यहाँ जॉन को समझ आ गया था कि बक को उसकी फैमिली मिल गई है और अब वो भी अकेला फील करता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से अपने घर लौट जाएगा। उस रात जॉन को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे हल्क दिखाई पड़ता है जो उसे मारने के लिए उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ आ पहुँचा था। वो जॉन को एक गोली मार देता है जिससे जॉन के हाथ में जो लालटेन होती है वो नीचे गिर जाती है और पूरे घर में आग लग जाती है। वो जॉन से सारा सोना ले लेता है और इसके बदले में भी उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन बक को जब ये दिखाई पड़ता है तो वो वहाँ आ जाता है और वो हल्क को धक्का देकर उसी घर में फेंक देता है जिससे हल्क मौके पर ही मर जाता है। लेकिन जॉन को भी गोली लगी हुई थी जिससे वो भी मरने वाला था। लेकिन मरते मरते वो बक से कहता है कि अब यही तुम्हारा घर है और तुम हमेशा खुशी खुशी यहीं रहना, और ये कहकर इस दुनिया से चला जाता है। बक को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है, वो उदास बैठा रहता है और वो वाइट वुल्फ आकर उसे ले जाती है। और अब मूवी हमें कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि बक और वाइट वुल्फ अब एक कपल थे और उन दोनों के दो बच्चे भी थे और वो सारे वुल्फ बक को अपना लीडर मानते थे और बक उन सभी को उस जगह पर भी लेकर जाता था जहां जॉन की मौत हुई थी। और इसी के साथ इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम हर रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।